লোকসভার মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি বলেন, মিড ডে মিল প্রকল্পে এরাজ্যে 4,000 কোটি টাকা তছরূপ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকার শাসক দলের নেতারা নয়ছয় করেছেন। সিবিআই তদন্তে সব সামনে আসবে। मैं आपकी अनुमति से सदन की वरिष्ठ सदस्य सुदीप जी ने कुछ विषय उठाया, भारत सरकार के बारे में, मनरेगा के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, उनको भारत सरकार ने ब्लॉकेड किया है। अध्यक्ष महोदय, यह तथ्य सही नहीं है। ये भारत सरकार की ओर से बंगाल की गरीबों की पैसा लेने ले जाते हैं और उसको तोलाबाजी करते हैं, कटमनी रखते हैं, यही मूल कारण है। देश की सभी राज्य वित्तीय श्रृंखला में रहते हैं। बंगाल उसके ऊपर खुद को मानता है, बंगाल की सरकार खुद को उसके ऊपर मानता है। सर, मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आई वुड लाइक टू रिमाइंड एंड लाइक टू मेंशन इन द पीएम पोषण योजना, इन द मिड डे मील स्कीम, they have misappropriated 4,000 crore. Government of India has given inquiry to CBI. Everything will come out on the front. Everything will come out to the table. इनकी दिक्कत है, ये गरीबों की पैसा लूट करते हैं, पार्टीबाजी में पैसा खर्चा करते हैं। इनके ऊपर इंक्वायरी होगा, ये सब इनके आधे दर्जन मंत्री जेल में है। सभापति महोदय, इनके शिक्षा मंत्री जेल में है, इनके आधे दर्जन मंत्री जेल में है। इनको डर लगने लगा है, इनके लीडरशिप जेल में जाएगा। इसी डर से यह सदन के समय को खराब।